फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम इंडिया की नंबर वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC AMC का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस समय उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों HDFC AMC कंपनी के बारे में बात करने से पहले एक बार हम आज जो IPO आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम मझगांव डॉक IPO की बात करें तो वो तो एक अच्छे खासे प्रीमियम यानी कि 48% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, लेकिन उसी के बाद उसमें सेलिंग प्रेशर दिखने लगा है। तो अगर आपको उस IPO में अलॉटमेंट मिली है तो आप उस IPO में जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके से देखा जाए तो पहले कोचिन शिपयार्ड भी आया था जिसकी लिस्टिंग अच्छी खासी हुई थी, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर ऐसा सेलिंग प्रेशर बढ़ा कि आज उस कंपनी के बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा। और रही बात UTI AMC की, तो वो कंपनी 55 साल पुरानी कंपनी है। अगर आपको उसमें अलॉटमेंट नहीं भी मिली हो तो अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आप उसको होल्ड करके रखिए, लेकिन अगर आपको उसमें अलॉटमेंट नहीं भी मिली है तो आप उसको क्या कहते हैं कि अभी एक अच्छे रेट पे ले सकते हो, क्योंकि एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिला है, क्योंकि इतनी पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि वो अच्छा खासा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए आपको UTI AMC एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए। और इसके अंदर एक अच्छा सा ऑपरेटर आके क्या कहते हैं कि एक अच्छी खासी एक्टिविटी कर सकता है, तो आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग पे भी ये स्टॉक अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये था अभी के दो IPO है उसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। जो HDFC AMC कंपनी है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या कहते हैं कि एसेट को मैनेज करने का काम करती है। और ये कंपनी किसके अंडर में है वो है HDFC, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये HDFC की एक सब्सिडरी ही समझ सकते हो आप इसको। HDFC का HDFC बैंक भी है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी है, और ऐसे ही इसका HDFC एसेट मैनेजमेंट भी है। और ये एक म्यूचुअल फंड को मैनेज भी करती है, और क्या कहते हैं कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और इन्वेस्टमेंट के एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस देने का काम भी ये कंपनी करती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि फुली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आप कहीं पर भी आज जाते हो तो अगर आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सपोज, वो आपको ये बोलता है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, इस एसेट पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इस लैंड को आप खरीद लीजिए, तो ऐसे तरह की एडवाइजरी सर्विसेज और कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, इस टाइप की एडवाइजरी सर्विस, और कौन से शेयर में आपको पैसा डालना चाहिए, उस टाइप की एडवाइस देने का काम ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसको मैनेज भी करने का काम ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब हम इस कंपनी के कुछ रेशियोज को देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के पी रेशियो को देखें तो कंपनी का पी रेशियो है 39.89, और अगर आप इसको सेक्टर से कंपैरिजन करोगे तो ये इसका अच्छा खासा क्या कहते हैं कि ये डबल है। तो आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का जो शेयर है वो बड़े महंगे भाव पे मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है इसकी एक तरीके से देखा जाए ये कंपनी की ब्रांडिंग है मार्केट में, क्योंकि आप देखिए HDFC AMC हर जगह अपना एक अच्छा खासा मार्केट लेकर चल चुका है। HDFC बैंक में अगर आप देखोगे तो भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर HDFC बैंक का बैंकिंग सेक्टर में है, और अगर आप HDFC AMC को देखोगे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर भी उसका मार्केट शेयर करीबन एक मोनोपोली की तरह उसका मार्केट शेयर है। तो इसलिए इस कंपनी के शेयर का रेट का भाव होना, इतना महंगा होना, मेरे ख्याल से कोई महंगा नहीं है। ये ऐसी कंपनियां तो कम से कम 4 गुना PE पे मिलनी चाहिए। और अगर इसके PB रेशियो की बात करें तो ये सेक्टर का जो PB है वो है 1.86, और जबकि आप इसका खुद का PE देखोगे तो वो 12 गुना ज़्यादा है। और इसमें भी मैं यही कहूँगा आपको कि इसमें भी क्या कहते हैं कि इतना गुना ज़्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी क्या कहते हैं कि एक प्रीमियम कंपनी है, तो इसकी क्या कहते हैं कि इसकी शेयर की प्राइस भी एक प्रीमियम पे होनी ज़रूरी है। तो अगर आप एक को ऐसा लग रहा हो कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो आपको 1 के PB या 2 के PB पे मिल जाएगा, तो ऐसा आपका मानना बिल्कुल गलत है। ऐसा मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि शेयर का प्राइस आपको 1 या 2 के PB पे मिल जाएगा। और डिविडेंड यील्ड, अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वो है 1.18%, और जो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है वो जबकि 0.82% ही है।
तो डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अच्छा खासा है। और ऐसी बड़ी कंपनी को जिनका शेयर का प्राइस 2,500 रुपये और उसका अगर डिविडेंड यील्ड आपको 1% भी मिल रहा है, 1% कितना हो गया, लगभग 25 से 30 रुपये के लगभग इसका डिविडेंड हो गया, तो वो डिविडेंड भी अच्छा खासा माना जाता है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, इसके शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंपनी 100-150 रुपये का डिविडेंड अगर देने लग गई तो कंपनी के पास जेब में रखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, तो अगर हम इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करते हैं, ये जो आपको जो लाइट ब्लू में दिख रही है वो इसकी टॉप लाइन है, और जो दूसरी अगर डार्क ब्लू में आपको दिख रही है लाइन वो बॉटम लाइन है। टॉप लाइन यानी कि कंपनी के ऑपरेशन से कमाया हुआ पैसा, और जो बॉटम लाइन होती है कंपनी की वो होती है उसके अंदर कंपनी के क्या कहते हैं कि एक्सपेंसिस जो होते हैं कंपनी के उसको डिडक्ट कर देते हैं। अगर आप कंपनी की टॉप लाइन देखोगे पिछले 4 साल से तो कंटिन्यूसली अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 2019 से 2020 में आप देखिए कि रेवेन्यू में इतना ग्रोथ नहीं आया है, रेवेन्यू 2.09 से लेकर 2.14 ही हुआ है। और अगर आप क्या कहते हैं कि 2019 की बॉटम लाइन को देखोगे और 2020 की बॉटम लाइन को देखोगे तो आप ये देखोगे कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी खासी बढ़ी है, मतलब पिछले 1 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी ने कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो अच्छे खासे कंपनी ने कंट्रोल कर लिए, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा हर साल परफॉर्म कर रही है। तो इसमें अगर कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस को कम कर देती है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती रहेगी और इसलिए इसकी वजह से शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। अब इसके हमें ना शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसके प्रमोटर के पास इसकी 73.9% होल्डिंग्स है, तो जिसको आप लगभग आप 74% मान सकते हो। म्यूचुअल फंड के पास इसका 2% होल्डिंग्स है, DII के पास इसकी 3.20% की होल्डिंग्स है, FII यानी कि जो इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं उनके पास इसकी 10.69% की होल्डिंग्स है, और अगर आप अदर पार्टीज की बात करते हो तो उसके पास 12.14% की होल्डिंग्स है। तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग इसके शेयर की होल्डिंग 88% जो इसकी होल्डिंग्स है वो बड़े लोगों के पास है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 88% अगर बड़े लोगों के पास है तो बड़े लोगों के पास तो अच्छा खासा क्या कहते हैं कि रिसोर्स होता है, अच्छी खासी न्यूज़ होती है तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करते हैं। इसका अगर टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन के हमने पहले भी बात की थी, वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था, अब मैं आपको एक्चुअल फिगर से समझाता हूँ। अगर आप इसके पिछले 3 साल की टॉप लाइन यानी कि कंपनी की इनकम को देखोगे तो पिछले 3 साल से कंपनी की इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। अब इसमें आप देखिए जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो थोड़ी अच्छी खासी कम हो जाती है, वो क्यों कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो कम थोड़े बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही है, तो भी ये कंपनी अपना कंटिन्यूसली इसका इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आप UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखोगे तो उसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और जबकि इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताइए कि इस कंपनी का प्राइस प्रीमियम वैल्यूएशन पे होगा या नहीं। जो कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एक अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है कंपनी, और अपने क्या कहते हैं कि टाइम से टाइम अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रही है, वो कंपनी क्या कहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा परफॉर्म करेगी या नहीं, मेरे ख्याल से तो ये कंपनी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे को तो इस कंपनी में कोई रिस्क नहीं लग रहा है, अब लेना या नहीं लेना वो आपके ऊपर है। अब इसके कंपनी के रेशियो देख लेते हैं। अगर हम कंपनी के EPS की बात करें तो EPS देखिए कंपनी का पिछले 3 सालों से लगातार अच्छा खासा बढ़ा है। अगर आप 2019 से 20 में देखोगे तो कम से कम कंपनी का जो EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर जो कंपनी का है वो 16 रुपये बढ़ा है, और 16 रुपये EPS बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप देखिए 43 का अगर आप 16 निकालते हो तो लगभग मेरे ख्याल से 25% के लगभग कुछ आता है, 25% से भी ज़्यादा आता है, तो उतना कंपनी का क्या कहते हैं कि EPS बढ़ा है, तो कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया कंपनी है ये। अब डाइल्यूटेड EPS देखें तो डाइल्यूटेड EPS में इतना कुछ बदलाव नहीं है, जो बेसिक EPS है उतना ही वो है।
अब हम बात करते हैं कंपनी के बुक वैल्यू की। कंपनी की बुक वैल्यू देखिए, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। और अगर कंपनी की बुक वैल्यू कंटिन्यूसली एक अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रही है, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो थोड़ी कम होती जा रही है, और जो कंपनी की क्या कहते हैं कि एसेट्स है, कंपनी के एसेट अच्छे खासे इम्प्रूव होते जा रहे हैं और कंपनी एक अच्छे पोजिशन में आ रही है। ठीक है, अब मैं आप आगे और चल के और बात करते हैं। और अगर हम कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखिए 60.77 12 12 हर साल लगभग, वो मेरे ख्याल से लगभग 12-15% हर साल वो बढ़ रहा है, जो कि अगर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी हर साल बढ़ोतरी दिखाई दी है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हर साल बढ़ा है। तो इस तरीके से देखा जाए ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तीनों कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। तो अभी तक मैंने जितने भी फैक्टर देखे हैं उसके अंदर एक भी नेगेटिव फैक्टर नहीं है। और ये कंपनी अगर अभी थोड़ा थोड़ा गिरती रहती है तो आपको इसमें क्या कहते हैं अपनी होल्डिंग बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अगर एक बार बढ़ना चालू हो गई ना, फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगी। फिर आप बोलोगे कि मेरे से एक अच्छा शेयर छूट गया। अच्छे, अब इसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट के बारे में बात करते हैं। इसके अभी मैनेजमेंट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कंपनी के पास अभी एसेट्स है 3,19,090 करोड़ कंपनी के पास एसेट्स हैं। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो 35% बढ़ा है इस साल। और कंपनी के पास क्या कहते हैं कि 56 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। और अगर हम कंपनी के बात करें अभी उसके कितने अकाउंट खुले हुए हैं पोर्टफोलियो वाले, तो कंपनी के अभी 94 लाख लाइव अकाउंट खुले हुए हैं। तो आप सोचिए 94 लाख, किसको कहते हैं इंडिया में कम से कम 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोग तो मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते, और जिसमें से 94 लाख का है ना मार्केट शेयर HDFC AMC खुद लेके बैठा हुआ है। तो आप सोचिए 94 लाख लोगों को ट्रस्ट है HDFC AMC पे। और 221 इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स से, है, मतलब 221 कंपनी के ऑफिस हैं। और कंपनी के अंदर अभी हाल ही फिलहाल में, मतलब FY 2019-20 की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी में अभी लगभग 1200 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 1200 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर लगभग काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए एक 1200 एम्प्लॉयज़, तो कंपनी कितनी बड़ी होगी जब जाके 1200 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एम्प्लॉय मतलब काम पे रखा है। अब हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का चार्ट देखिए, हर साल इंक्रीज हुआ है। मतलब आप इसकी हर चीज़ को देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, वो भी एक हर साल इंक्रीजिंग पैटर्न में रहा है। और अगर आप इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखोगे तो वो भी हर साल इंक्रीज हुआ है। तो आप देखिए इस कंपनी की एक नेगेटिव बात क्या है, मुझे आप ये बताइए। ये कंपनी एक बढ़िया एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इतनी बढ़िया मतलब इसको तो हर डिप पे आपको बाय करना चाहिए। ये कंपनी एक परफेक्टली एक ऐसी कंपनी जिसको आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक ये डिफेंसिव स्टॉक है। क्योंकि अब यहाँ से स्टॉक में गिरना बहुत मुश्किल लग रहा है और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, इस आप चारों को देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, चारों में कंपनी की हर साल कंपनी का जो चार्ट दिखा रहा है वो इंक्रीज हुआ है। क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एक अच्छे टेक्नोलॉजी पर कंपनी चल रही है। ओके, अब अपन अगले इसके प्राइस चार्ट पे देखते हैं। अगर हम कंपनी के प्राइस की बात करें तो कंपनी अभी 2303 रुपये पे आज कंपनी क्लोज हुई है। आज है डेट 12 अक्टूबर 2020। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस देखें तो 2303.919 पे कंपनी का जो शेयर है वो क्लोज हुआ है। अगर आप इस शेयर का हाई देखोगे, ऑल टाइम हाई, तो वो है 3844। मतलब ये शेयर आपको लगभग कम से कम 30-35% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। और इस कंपनी के डिस्काउंट होने का मेन कारण ये है, एक तो अभी थोड़ा सा बाजार गिरा था तब ये भी थोड़ा गिर गया था और इसका ऑल टाइम हाई आ गया था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी चालू हो गई थी। और जो इसका दूसरा कारण है इसके प्राइस में गिरने का, उसका मेन कारण ये है क्योंकि इसके अंदर किसी एक कंपनी ने लगभग 1-1.5% का स्टेक रिड्यूस किया है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार है इसलिए रिड्यूस किया, उन्होंने क्या कहते कि अभी कोविड चल रहा था तो उसके चलते उनके कुछ कैश फ्लोज का प्रॉब्लम रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी में स्टेक रिड्यूस किया है।
तो अगर आप एक देखा जाए तो पर्टिकुलरली ये कंपनी एक अच्छा खासे रेट पे अवेलेबल है। अगर ये कंपनी अभी अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये बेस्ट प्राइस है शेयर को बाय करने के लिए। लेकिन अगर आपको ये शेयर अगर और नीचे रेट पे मिलता है तो आपको इसको बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर है इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 2100 से 2150 के बीच पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ये बैठा हुआ है। क्योंकि इसके नीचे अगर ये गिरता है तो आपको जरूर इस स्टॉक को लेना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उसके नीचे जाना कंपनी के लिए बहुत इतने सारे बियर्स को आ जाना पड़ेगा मार्केट में कि शेयर को अगर 2100 से नीचे जाना है तो 2100 के ऊपर ये बेस्ट प्राइस है। और अगर आपको ये शेयर अगर इससे नीचे थोड़ा सा भी मिल रहा है तो आपको लेते रहना चाहिए। ये मेरे ख्याल से फ्यूचर का मल्टीबैगर बन सकता है और नेस्ले भी ये स्टॉक बन सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपको HDFC AMC का क्या कहते हैं कि जो भी एनालिसिस है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।